हमारे पास है बजाज की N250 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये नया कलर है, इसमें जो भी अपडेट हुए उसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड बाइक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली 1,38,200 रुपये और आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी 1,67,900 रुपये। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये विद एसेसरीज है। इसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, जो भी जेन्युइन एसेसरीज होती है बजाज की तरफ से, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो वे हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। सो फ्रंट लुक में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। हेडलाइट आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, डीआरएल आपको एलईडी मिल जाते हैं। सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ नया कलर आपको देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में दिखा देता हूँ हेडलाइट की, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो कि देखने में काफी कूल सा लग रहा है। ये ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताओ आप लोगों को कैसे लगा। सो ऐसे कुछ दिखने वाला है इधर से। और इंडिकेटर की बात करें तो ये भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। अभी हम इसकी हेडलाइट ऑन करके सबसे पहले देख लेते हैं। सो अभी हम चलते हैं इसकी की के पास। इसमें आपको कुछ ऐसी की मिल जाएगी, ये रही इसकी की। मुझे इसकी की काफ़ी अच्छी लगी। और अभी हम बाइक को ऑन कर लेते हैं और हमें इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। सो हम वो भी ऑन कर लेते हैं और आ जाते हैं हम फ्रंट में। सो ये रही इसकी हेडलाइट, काफ़ी ब्राइट टोन से आपको मिल जाती है। हाई बीम में ऑन कर देता हूँ। सो ये रहा हाई बीम पे, आपको अच्छा खासा थ्रो मिल जाएगा। इंडिकेटर देख लेते हैं। सो ये रहा इसका इंडिकेटर जो कि एलईडी है। और रियर में चलते हैं, हम टेल सेक्शन देख लेते हैं। सो ये रहा इसका टेल सेक्शन जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। टेल लैम्प आपको एलईडी मिल जाता है, इंडिकेटर भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। मुझे टेल लैम्प इसका बहुत पसंद आया। और भी हम फ्रंट में चलते हैं। सबसे पहले इस बाइक को हम ऑफ कर देते हैं। पहले हमें किल स्विच से ऑफ करना चाहिए, फिर उसके बाद की से। और आ जाते हैं हम फ्रंट में। सो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली है। मडगार्ड पे नजर डालें, ये भी आपको ब्लू कलर का मिल जाता है। ऐसा कुछ स्टिकर वर्क जैसे पुराने वाले कलर में स्टिकर वर्क थे वैसे ही दिए गए हैं। डिजाइन वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। और यहाँ पे देखें तो आपको सिंपल सा ब्लैक कलर मैट फिनिश मिल जाएगा। और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा फ्रंट में। रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि अंदर की तरफ है, जो पहले था वही है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और फ्रंट में चलते हैं, इसके टायर की बात कर लेते हैं। टायर की बात करें तो आपको हमारा ब्रांड का टायर मिलने वाला है। टायर साइज आपको मिल जाएगी फ्रंट में 100/80 की। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाएगा, जो पहले आपको टायर साइज मिलती थी वही मिलने वाली है 130/70 की। व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी जो कि ऐसा ग्रे कलर का रहने वाली है, जो पहले आती थी वही व्हील है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेकिन स्टिकर वर्क यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ब्लू कलर का मिल जाएगा जो कि इसके ग्राफिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैच भी कर रहा है। अलॉय व्हील आपको मिल जाएगी 17 इंच की फ्रंट एंड रियर में। और अभी हम इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं। सो आपको इसमें डुअल डिस्क मिल जाएगा। फ्रंट में आपको मिलने वाला 300mm का डिस्क जो कि वेंटिलेटेड डिस्क रहने वाला है। और रियर में आपको मिल जाएगा 240mm का डिस्क। और साथ में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS। ABS तो आज के टाइम पे होना ही चाहिए। ABS की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ब्रेक कैलिपर की बात करें तो आपको जर्मिका के मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। सो इधर से ये व्हील कुछ ऐसे दिखने वाला है। और यहाँ की बात करें टैंक काउल की, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ स्टिकर वर्क मिल जाएंगे। स्टिकर वर्क सेम है, सिर्फ कलर चेंज किया गया। अभी आपको ये ब्लू कलर के साथ में मिलने वाला है। सो यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी 3D में जो कि सबको अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नेट जैसा डिजाइन मिल जाएगा। ये काफी प्रीमियम लुक ऐड करता है। और ये रहा इसका इंजन, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का थोड़ा दिया गया, ये ब्लैक कलर का। और यहाँ पे आपको डुअल सिंगल हॉर्न मिलता है, डुअल हॉर्न नहीं इसमें। और ये रहा इसका कूलिंग सिस्टम, इसमें आपको ऑयल कूल कूलिंग सिस्टम मिलता है जो कि एक अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है। इंजन काउल की बात करें तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो कि काफी स्पोर्टी टच के साथ में आता है। और अंदर की तरफ आपका कैटलेटिक कन्वर्टर जिसे हम BS6 की पहचान मानते हैं। और नीचे ये ब्लैक कलर मैट फिनिश में आपको मिल जाएगा। सो अभी हम सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 249.07 cc का, जिसकी पावर आपको मिल जाएगी 24.5 PS एट 8750 RPM। और आपको टॉर्क मिलने वाला है इसमें 21.5 Nm एट 6500 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक टू वॉल्व, याद रखना दोस्तों आपको इसमें टू वॉल्व मिलने वाला है। साथ में आपको मिल जाएगा FI ऑयल कूल्ड और आपको मिल जाएगा 5-speed गियरबॉक्स। जो इसका इंजन पहले था वही है, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। इसका इंजन काफी दमदार आपको मिल जाता है। इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिलने वाले अगर आप ये रियल लाइफ में आप इस बाइक को चलाते हो तो। और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का मिल जाएगा और ये आपका ब्लैक कलर है, बाकी ये सब आपको ब्लू कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो आपको सीट काउल के पास N250 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये रहा इसका सीट काउल जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है। सो ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ये रहा आपका ब्रेक पैड और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जैसे था वैसे ही। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये आपका सिल्वर कलर में आएगा। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट जो कि ऐसे कुछ दिखने वाला है। और इधर से ये व्हील कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं।
करते हैं। सो ये बाइक राइड्स ऐसे कुछ ऐसे दिखने वाली, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। और ऊपर से देख लेते हैं, सो इधर से ये कुछ ऐसे दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये ब्लू कलर में। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ। और भी चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पर और टेल सेक्शन की बात कर लेते हैं। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रही इसकी टेल लाइट जो कि LED मिल जाती है, इंडिकेटर LED मिल जाते हैं, नंबर प्लेट यहाँ पर लगेंगे, रिफ्लेक्टर। सो रियर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आपको इसमें स्प्लिट टायर अगर मिल जाते हैं जो कि कुछ ऐसे रहने वाले, जो कि इस बाइक के लुक को इनहेंस कर साथ में पिलियन राइडर को भी प्रोटेक्ट करते हैं मिट्टी या धूल से। और भी हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से देख लेते हैं बाइक कैसी दिखती है। यहाँ पे आपको N250 की ब्रांडिंग मिल जाएगी जैसे हमने उधर देखा था। और ये रहा आपका सारी गार्ड, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा आपको सारी गार्ड मिल जाएगा। ये रही चैन रही वैसे कुछ मिलने वाली, उसके ऊपर आपको कवर मिल जाएगी। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, ये रहा गियर पैन। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलने वाला है, पहला आपका नीचे लगेगा बाकी के 4 ऊपर लगने वाले। साइड स्टैंड आपको साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर मिल जाता है, साथ में आपको डुअल स्टैंड भी मिल जाएगा। और इधर से इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है, थोड़ा गोल्डन सा एंड ब्लैक। ये रहा आपका इंजन काउल, आपको लेग गार्ड मिल जाएगा ऐसा कुछ। इधर आपको सेम डिजाइन मिलते हैं जैसे हमने उधर देखा था। सो टैंक पे भी आपको सेम डिजाइन मिलने वाले जैसे आप लोगों ने उधर देखा था, एंड पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में। और भी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं। सो लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस बाइक के सीट कम्फर्ट, फ्यूल टैंक एंड मीटर कंसोल के बारे में। सो भी हम इसके सीट की बात कर लेते हैं। सो ये रही इसकी सीट, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ मुझे बजाज बाइक की जितनी भी पल्सर सीरीज है उसमें से मुझे इसकी सीट जो है काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, एंड डिटेल वर्क आपको देखने को मिलेगा, पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिलने वाला अगर आप कंपेयर करते हो इस सेगमेंट में किसी अदर बाइक में तो। और ऐसा कुछ आपको ग्रेबर मिल जाएगा सिल्वर कलर का, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो राइडर एंड पिलियन राइडर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक को लेकर, आप सिटी राइड एंड हाईवे राइड आराम से कर सकते हो। और भी इसके टैंक की बात कर लेते हैं जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। टैंक की बात करें तो ये आपको मेटल वर्क के साथ में आता है, आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसकी माइलेज आपको मिलने वाली है मेरे हिसाब से 35 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। ये रहा इसका फ्यूल कैप, और साइड साइड में आपको पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी टैंक काउल के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो आपको ये सिंपल सा ब्लैक कलर मैट फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सही जगह पे दी गई है। और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो ये मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। सच्ची बोलूँ मुझे इसका मीटर कंसोल बहुत अच्छा लगा, अगर ये फुली डिजिटल होता तो इतना अच्छा नहीं लगता, ये सेमी डिजिटल है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एनालॉग मिल जाता है, थोड़ा सा डिजिटल। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, ये आपका इंजन मालफंक्शन लाइट, बैटरी, इंजन ऑयल, इंडिकेटर, ये आपका अपर डिपर, RPM लिमिट, ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल, ये आपका फ्यूल को बताएगा, स्पीड, ये आपका टाइम बताएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर। सो इसमें आपको काफ़ी सारे कूल से फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी आपको मिल रहे हैं और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इस बाइक में। और भी बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की। ये आपका हो जाता है थ्रोटल, ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर, किल स्विच एंड सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो डिटेल वर्क किया गया, ऐसा इंडिकेट किया गया कि यहाँ पर स्विच है। रेसिंग हैंडल बार आपको सिंगल पीस में मिलने वाला जो कि कुछ ऐसा रहने वाला, अगर स्प्लिट हो रहा था ज़्यादा अच्छा होता जैसे 250F में है। और इधर की स्विच की बात करें तो यहाँ पर आपका अपर डिपर हो गया, इंडिकेटर, या हॉर्न काफ़ी अच्छा हॉर्न है, मतलब काफ़ी लाउड है, ये आपका पासिंग हो जाएगा, ये आपका क्लच लीवर। इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता जो कि एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इसके लिए। और मिरर की बात करें तो ये मिरर कुछ ऐसे दिखने वाले, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। सो ऐसा कुछ आपको सिंपल सा मिल जाएगा। अभी हम इस बाइक के थोड़े बहुत डायमेंशन जान लेते हैं। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 14 लीटर का मिलने वाला, सेडल हाइट आपको इसमें मिलने वाले 795 mm। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 165 mm, और इसका व्हील बेस है 1351 mm, और इस बाइक का वेट आपको मिलने वाला 164 kg। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आपको ये नया कलर देखने को मिलता है ब्लू कलर, दूसरा आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा ग्रे जैसा जैसे आप 250 को देख रहे हो, और ऐसा ही रेड कलर है। आपको 3 कलर मिलने वाला, मेरा सबसे फेवरेट कलर है रेड कलर, उसके बाद आएगा ये ब्लू कलर, ये भी देखने में बहुत ही गजब का दिख रहा है। सो दोस्तों अगर आप देख रहे हो एक बजट फ्रेंडली 250 cc की बाइक जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाए एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने को मिल जाए एंड सारे फीचर्स आपको मिल जाए जो ज़रूरत हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती, जो यूज़फुल हो, जो आपके लाइफ में यूज़ होने लायक हो, तो ये बाइक उसके लिए परफेक्ट रहने वाली है। आपको पिलियन कम्फर्ट भी अच्छा मिलने वाला है, इसमें राइडर कम्फर्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छी मिलने वाली है, लुक तो इसका ख़तरनाक है ही, और फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और सच्ची बोलूँ इस प्राइस पैकेज में आपको ऐसी बाइक तो नहीं मिलने वाली इंडियन
ऑटोमोबाइल्स मार्केट में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है, बजाज की पल्सर N250, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को बताओ आप लोगों क्या रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है, और कुछ ऑप्शन है तो वो भी आप लोग बताओ, और ये बताओ ये कलर आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।